श्रुतिका? यस सर। हाँ श्रुतिका बच्चा, प्लेन की इक्वेशन होती है, अगर प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज नहीं होते, प्लेन के डायरेक्शन रेशियो नहीं होते, नहीं प्लेन होते के हमेशा परपेंडिकुलर लाइन के होते, परपेंडिकुलर लाइन के जो प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, दैट इज ए बी, दैट इज ए बी सी। किसके डायरेक्शन रेशियोज एबीसी। होते हैं, बात समझ आ गई? यस सर। ए बी सी किसके होते हैं? सर ये मतलब डायरेक्शन एरिया रेशियो। वेक्टर होगा ना ये हाँ ये वेक्टर ए होते हैं, बी। ठीक है। तो इस प्लेन की इक्वेशन होती है वेक्टर ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बी इंटू वाई माइनस वाई वन, सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन, कौन सी फॉर्म है? ठीक कार्टेशियन प्लेन है, अगर 3 पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है तो उसकी इक्वेशन ये मान ली। ये बात क्लियर है? ये बात समझ आ गई? ए बी सी किसके यस डायरेक्शन रेशियोज होते सर। हैं, जल्दी बताओ। उसकी परपेंडिकुलर लाइन पे एरिया ठीक है, पे प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्स वन आई वन जेड परपेंडिकुलर वन क्या होते हैं? वहां पे जो एक्स वन आई वन जेड कोऑर्डिनेट्स वन क्या हैं होता है? प्लेन के पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट्स प्लेन, पॉइंट ऑन द प्लेन। कोई प्लेन। डाउट है इसमें? कोई नो डाउट सर। है? नो सर। चलो अब दूसरी चीज एक बार ढंग से सुनेंगे जो बोल रहा हूँ। जैसे अगर मैंने बोला एक प्लेन है जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, वन वन वन, एक वन वन वन, थ्री टू माइनस वन, फोर टू टू, ठीक है, इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। क्वेश्चन समझ आ गया? येस और नो? यस सर। लेट दिस बी एक्स वन वाई वन जेड वन, ए इंटू एक्स माइनस वन, किसी को भी ले सकते थे एक्स वन वाई वन जेड वन, मैंने इसको मान। ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। अब थ्री टू माइनस वन इसमें क्या करेगा? कोसाइन वो बना देगा डायरेक्शन बच्चे सेटिस रेशियो। प्लेन के ऊपर, एक मिनट हाँ बच्चे, मतलब मैंने क्या सेटिस्फाई क्वेश्चन बोला? करेगा। ये क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला मैंने एक बार ही बता दो जल्दी से। मैंने बोला फाइंड द सर इक्वेशन जी ऑफ ये प्लेन। तीनों पॉइंट्स हैं हाँ जी, ये जो तीनों ये पॉइंट्स तीनों है जिससे पॉइंट्स हैं वो प्लेन प्लेन पास पे लाई करते हैं। सर प्लेन पे लाई कर रहा है, एक्स वाई जेड की जगह थ्री टू माइनस वन क्या करेगा? थ्री जी सेटिस्फाई करेगा माइनस वन, बी इंटू टू माइनस वन कितना वन, सी इंटू वन। माइनस वन कितना, ये हो गया। तो ये हो गया यस टू ए सर। प्लस बी माइनस टू सी इज इक्वल टू जीरो। एनी डाउट बच्चे? जीरो। नो सर। अब फोर टू टू भी इसमें क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा तो फोर डालो, फोर माइनस वन थ्री ए, और फोर दूसरा माइनस टू वन डालेंगे थ्री तो ए बी आएगा, और टू डालेंगे तो सी आएगा। ये बात समझ आ गई? सी। येस और नो? यस सर। ए और बी को सी की टर्म्स में निकालते सर हैं, दोनों को सेकंड सबट्रैक्ट स्टेप कर एक दो। बार, सर सेकंड स्टेप एक बार रिपीट कर दो प्लीज। कौन सा सेकंड स्टेप बच्चे? ये वाला सर थ्री ए इंटू थ्री माइनस वन वाला। ए इंटू थ्री। बच्चे मैंने ये बोला कि एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी जो इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ये बात समझ आ गई? यस सर। ये प्लेन की इक्वेशन मान ली हमने, कोई डाउट? नो सर। इसके अंदर ये थ्री टू वन सेटिस्फाई करा दिया, कोई डाउट? नो सर। एक्स की जगह थ्री डाल दिया, वाई की जगह टू डाल दिया, जेड की जगह माइनस वन, ऐसे ही सिमिलरली फोर टू टू भी डाल दिया। मतलब 4-1 ऐसे करके। अच्छा वन, हाँ। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस ए इज माइनस थ्री सी इक्वल टू जीरो हो गया, ए इक्वल टू माइनस थ्री सी आ गया। एनी डाउट बच्चे? नो सर। ए की वैल्यू अब इसके अंदर डाल दी तो हमारे पास कितना आया, माइनस सिक्स सी प्लस बी माइनस टू सी इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू 8 सी आ गया, कोई डाउट? नो सर। माइनस थ्री सी इंटू एक्स माइनस वन प्लस 8 सी इंटू वाई माइनस वन प्लस सी इंटू जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सी 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 कैंसिल आउट हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई माइनस थ्री एक्स माइनस प्लस थ्री प्लस 8 वाई माइनस 8 और जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया माइनस थ्री एक्स प्लस 8 वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9 में से गया -6। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। चलो ये बात सर सबको इक्वल समझ टू आ सिक्स गई है, होगा ना। इक्वल टू 6 हो, इक्वल टू 6, हाँ प्लस 6 होगा, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक बारी।
एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो पास कर रहा है 0 माइनस 1 जीरो से। निहारिका यस सर। 1 1 1 एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। आप प्लेन की इक्वेशन क्या मानू सर? ए एक्स माइनस जीरो प्लस बी वाई प्लस वन प्लस सी जेड माइनस जीरो। अब 2 1 माइनस 1 इसमें क्या करेगा? सेटिस्फाई डालो, बताओ क्या इक्वेशन बनेगी, जल्दी बोलो। सर 2a + 2b माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। माइनस सी इक्वल टू जीरो। अब 1 1 1 भी क्या करेगा? सेटिस्फाई a + 2b + c = 0 a और b को किसकी टर्म्स में निकालना है? सर c की टर्म्स में। दोनों को क्या करूं सर? ऐड कर दीजिए। ऐड करूं सबट्रैक्ट कर दूं? सर सबट्रैक्ट सबट्रैक्ट। a माइनस a की वैल्यू 2c आ गई, a की वैल्यू इसके अंदर डाल दी तो 4c प्लस 2b माइनस c को 2b इक्वल टू माइनस 3c, b इक्वल टू माइनस 3c बाय 2। एनी डाउट बच्चे? नो सर। 2c इनटू x प्लस b की वैल्यू माइनस 3c बाय 2 इनटू y प्लस 1 c इनटू z। c तो कट जाएगा, 2x माइनस 3y बाय 2 माइनस 3 बाय 2 प्लस z इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4x माइनस 3y माइनस थ्री वाई माइनस 3 + 2z = 0। 4x - 3y + 2z = 3। सही है, यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। अब प्रूव करना है कि ये 4 पॉइंट जो गिवन है वो को प्लानर है। ये 4 पॉइंट, ये क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब 3 3 0 इसके अंदर अगर सेटिस्फाई करता है तो पॉइंट्स को प्लानर है। 4 × 3 − 3 × 3 + 2 × 0 = 9 12 − 9 = 12 co-planner. कोई डाउट है बच्चे? कोई डाउट है सर? इसमें क्यों कराया और किसमें कराऊं बच्चे? नहीं मतलब कि क्यों कराया, क्यों बच्चे? co-planner का मतलब क्या होता है? सेम प्लेन में लाइक करें। तो ये अगर मेरा पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका अंदर सेम प्लेन में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है सर, समझ गया। चलो अब मुकुल तुम ही बोलो। यस सर। मुकुल एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इंटरसेप्ट बना रहा है एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे। मुकुल कशिश ऋतिक ऋतिक सर मैं बोलू? मेरा तो ऑफ ही था। ऋतिक कौन था? ऋतिक। चलो मुकुल चलो बोलो। यस हाँ, ये पेन ए 0 0 0 से पास कर रहा है, ये 0 b 0 से है और ये 0 0 c है। प्लेन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म, लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म वाली याद है? तो लाइन की इंटरसेप्ट वाली सर याद। अच्छा अब जल्दी से ये बताओ कि मुकुल तू बोलो, 2x + 3y - 4z = 12। रिड्यूस दिस इक्वेशन टू इंटरसेप्ट फॉर्म। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। x by 6 plus y by 4 minus z by 3 equal to 1 plus z by minus 3 equals to 1 minus x axis पे इंटरसेप्ट कितना है? 6। y axis पे 4। z minus 3। अच्छा अब एक मुकुल एक चीज बताओ, जैसे एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो तीनों एक्सेस पे इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। क्या बना रहा है तीनों एक्सेस पे? इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है और वो पास करता है
1, 2, 3 से. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर. बताओ क्या करूं सर? एक्स बाय वन प्लस वाई बाय नहीं, इक्वल इंटरसेप्ट होगा ना. ए की वैल्यू बी के बराबर है, बी की वैल्यू सी के बराबर है. ऋषिराज, ऋषिराज. यस सर. ये बताओ कैसे सर? वन बाई ए प्लस टू बाई ए प्लस थ्री बाई एज इक्वल टू वन करके कर देंगे सर. वन बाई ए प्लस यहाँ पे वाई की वैल्यू टू डाल देते हैं, बाई ए ही रह जाएगा. थ्री बाई सी इज इक्वल टू वन आ जाएगा. सिक्स इज इक्वल टू ए आ जाएगा. ये बात सही है? यस सर. एक्स अपॉन सिक्स, वाई अपॉन सिक्स, जेड अपॉन सिक्स इज इक्वल टू वन. ऋषिराज कोई डाउट है? नो सर. चलो सम्यक. यस सर. सम्यक एक ये कहता है प्लेन है जो एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को बी, जेड एक्सिस को सी पे, और ये वाला जो पॉइंट है एच मींस सेंट्रोइड ये दे रखा है, अल्फा बीटा गामा दे रखा है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर. तो प्लेन की इक्वेशन क्या मानूं मैं, जल्दी बताओ. यस सर. सर ए बोलो सर. एक्स अपॉन ए प्लेन की इक्वेशन क्या? हां हां. एक्स अपॉन बी प्लस Plus Z upon C. Z upon C equals to 1. अब main aim क्या है? A, B, C निकालना. ठीक है कि नहीं? Yes, sir. अब जो centroid के coordinate है, कैसे निकालेंगे? A, B, C का centroid कैसे निकलेगा? So, X1 plus X2 plus X3 by 3 is equals to alpha करते. A plus 0 by 0 equals to alpha. A equals to कितना हो गया? 3 alpha. 0 plus B plus 0 by 3 is equals to beta. तो b इक्वल टू 3 बीटा, तो c इज इक्वल टू 3 गामा. x अपॉन 3 अल्फा, y अपॉन 3 बीटा, y अपॉन 3 बीटा, z अपॉन 3 गामा, z अपॉन 3 गामा इज इक्वल टू 1. ये बात समझ आ गई? यस और नो? यस आ गई. अच्छा चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा? अपनी मर्जी से. मोहित बोलेगा प्रथम? प्रथम बोलोगे बच्चे? चलो यस. वेरी गुड. प्रथम मैंने बोला था प्लेन की इक्वेशन में डायरेक्शन रेशियोज किसके होते हैं? सर जो लाइन परपेंडिकुलर होती है. जो लाइन परपेंडिकुलर यानी ए बी सी इसके होते हैं, सही है? और ये क्या होता है? एक्स वन वाई वन जेड वन किसके ऊपर होता है? सर प्लेन के. पॉइंट ऑन द प्लेन. अच्छा अब देखते हैं. मैंने बोला फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन. क्या बोल रहा हूँ मैं? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पोजिशन वेक्टर. पासिंग थ्रू द पोजिशन वेक्टर ये एक पॉइंट दे रखा है 2i माइनस j प्लस k. इस पोजिशन पोजिशन पॉइंट से पास कर रहा है. एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4i प्लस 2j माइनस 3k. 4i प्लस 2j माइनस 3k. बच्चे कोई डाउट है तो बोल दो. नो सर. 4i प्लस 2j माइनस 3k. अब ये बता कि पॉइंट क्या दे रखा है प्लेन के ऊपर? टू वन, टू माइनस वन, वन. चल और डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल की क्या दे रखे हैं? फोर टू माइनस थ्री. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगी? फोर इंटू एक्स माइनस टू प्लस टू इंटू वाई प्लस वन माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस वन. ठीक है. आप एक बार सुन ले बस ढंग से. 4x माइनस 8 प्लस 2y प्लस 2 इसमें वेक्टर फॉर्म वाले बोला था ना मैंने? यस सर. तो बस ऐसे करना 4x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 8 3 नहीं 8 5 गए इक्वल टू 3. ये बात समझ आ गई? यस सर. अब बस इसको ऐसे लिखना है r डॉट 4i प्लस 2j प्लस माइनस 3k is equals to 3. This is the vector equation. ये बात समझ आ गई? Yes sir. R vector क्या होता है? xi, yj, z. ये बस R vector क्या होता है? xi, yj और yj plus zk. तो dot product देखोगे तो यही आएगा ना? ये ऊपर वाली equation आ जाएगी. Yes sir, यही आएगा. ठीक है, ये बात समझ आ गई? अच्छा 4 2 minus 3 थे क्या? देखो. Sir direction ratios. Direction ratios किसके? सर जो लाइन परपेंडिकुलरिटी प्लेन के. ये बात समझ आ गई? यस. यस और नो?
अगर ये लाइन की कोई, अगर ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है आर डॉट टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के इज इक्वल टू फाइव, ये क्वेश्चन दे रखा है, सही है? यस सर। अब इसमें पूछा है डायरेक्शन रेशियो एक लाइन के निकालने हैं जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालने, बता सकते हो? तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे 2, 3, 4। वेरी गुड। और डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे नॉर्मल के? 2 डिवाइड बाय, जल्दी बोलो, इसी में 2 से डिवाइड कर देते ना। यस सर, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 स्क्वायर प्लस, बात समझ आ रही है? यस सर। अब वैसे अगर मैंने ये पूछा होता कि ये कितना एंगल बना रहा है, नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो कैसे निकालते? यही होते ना डायरेक्शन को साइन निकालने yes, होते, तो ये कॉस अल्फा होता, ये कॉस बीटा होता, cos beta, ये cos gamma। ठीक है, अगर मेरे को इसमें पूछा होता, इसमें ये पूछा होता कि कार्टेशियन फॉर्म निकाल, क्या निकाल दो? कार्टेशियन फॉर्म। तो आर वेक्टर को क्या लिखते हैं हम? एक्स आई वाई जे जेड के। यस सर। तो आंसर क्या आता है? 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5। बच्चे कोई डाउट है? नो सर। चलो, ये बात समझ आ गई? यस सर आ गई। पक्का कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब ये बता जल्दी से, तू भी बोलते प्रथम, आर डॉट आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 4, कार्टेशियन फॉर्म बोल दे जल्दी से। सर एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4। अच्छा, कहीं पे लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 9, वेक्टर फॉर्म बोल दे। आर डॉट 2y के प्लस 3j के माइनस 4k के इज इक्वल टू 9 प्लस 4k के होगा ना, इक्वल टू 9। ये बात समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, अब सम्यक, सम्यक यस सर, एक ओरिजिन, हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस प्लेन के ऊपर, और ये पॉइंट आया 1, 2, 3, क्या आया? 1, 2, 3। ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये पॉइंट 1, 2, 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। जल्दी बताएगा कैसे करेंगे? सर डायरेक्शन रेशियोज जो हो जाएंगे वो हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2 माइनस 0 और 3 माइनस 0, इसमें कोई डाउट है? नो सर। और पॉइंट क्या है इसके ऊपर, प्लेन के ऊपर? सर 1, 2, 3। तो 1 × x-1, 2 × y-2 और 3 × z-3 इज इक्वल टू 0। तो x-1 प्लस 2y-4 प्लस 3z-9 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1, 4, 5, 9, 14। कोई डाउट है? नो सर। और वेक्टर फॉर्म अगर लिखना है तो क्या लिखते हैं? आई प्लस टू जे प्लस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप इज इक्वल टू 14। कोई डाउट है? नो सर। कशिश? यस सर। कशिश, एक पॉइंट है A 1, 3, 5 और बी है 3-1 और 7, सही है? जो इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पास करते, ये प्लेन है ना, इस लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। जल्दी बता कैसे करेंगे प्लेन की इक्वेशन? सर पहले तो इसको एक्स वाई जेड अज्यूम कर लेते हैं पॉइंट के, उसको फिर डायरेक्शन रेशियोज इक्वेट कर देंगे। मेरे को ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे जल्दी बताओ? ए बी के 3-1, -1, -3, 7-5। कोई डाउट? अब ये पॉइंट क्या आएगा, ये पी पॉइंट क्या आएगा जल्दी बताओ? पी पॉइंट 2-x-4-y, 2-z। एक मिनट, 2-x कहां से बोल रहे हो बच्चे? पॉइंट पूछ रहा हूँ, मिड पॉइंट आएगा कि नहीं? ये 3 + 1/2, 2 3-1/2, 1 5 + 7/2, 6, सही है? Yes, अब ए बी के डायरेक्शन, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो 2 है, 2 × x-2 प्लस -4 × y-1 प्लस 2 × z-6 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है बच्चे? यस सर।
नो सर। पक्का समझ आ गया है? यस सर। बच्चे नहीं समझ आया तो बोल देना। सर आगे समझ। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोलेगा कौन? श्रुतिका तुम बोल दोगे? यस सर। श्रुतिका ये 12x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 1, इस लाइन का नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो निकालो। इस प्लेन के जो नॉर्मल लाइन है वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ? इनडायरेक्टली क्वेश्चन का मतलब क्या है बता सकते हो? सर समझ नहीं आया मेरे को, आपकी आवाज ना कट गई थी बीच में। अच्छा बच्चे मैंने बोला ये प्लेन, समझ आ गया ये प्लेन है? हाँ ये प्लेन है। ये प्लेन का नॉर्मल है जो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो निकालना। क्वेश्चन समझ आया? यस सर। अच्छा अब बता किस में कन्वर्ट करना है इसे? बच्चे 12 3 - 4 है क्या? पॉइंट्स है, वो है डायरेक्शन रेशोस। किसके होते हैं? लाइन के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल होता है। नॉर्मल लाइन के। अब मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है? एक्स एक्सिस के साथ जो नॉर्मल बना रहा है कितना एंगल बना रहा है सर? वो डायरेक्शन कितना एंगल बना रहा है सर? इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के करना है क्या? बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ निकालूंगा? डॉट प्रोडक्ट निकाल के करना। डॉट प्रोडक्ट निकाल के भी कर सकते हो। ये हो गया कॉस अल्फा, ये हो गया 12² + 3² + 4², ये क्या हो गया कॉस बीटा। बात समझ आ रही है? यही तो पूछा बस, तभी तो पूछ रहा था इंटरसेप्ट फॉर्म कहाँ से आ गई। ये इतना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस कॉस अल्फा, ये बात समझ आ गई? सर एक डाउट छोटा सा। सर मतलब ये जो हमें लाइन गिवन है ये नॉर्मल की लाइन गिवन थी? बच्चे ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, फर्स्ट लाइन ही ये बोली गई थी कि है ना 12x ये इसमें 12 3 - 4 डायरेक्शन को साइन के डायरेक्शन लिखे नॉर्मल के होते। ठीक है हाँ मुकुल क्या डाउट है बच्चे? मुझे लगा सर वो प्लेन। कोई बात हाँ बोलो मुकुल। 12x प्लस 3y माइनस 4z के अंदर 12 3 और 4 डायरेक्शन रेशियोस ही होते हैं या फिर पॉइंट्स होते हैं? बच्चे आपको शुरू से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये डायरेक्शन रेशियोस होते हैं बच्चे, ये पॉइंट तो हो ही नहीं सकते। ऊपर जैसे x पे हमें निकालनी है तो अपना परपेंडिकुलर लाइन है जो x पे होगी तो उसकी इक्वेशन होगी ना i, 0, 0, तो फिर 12 माइनस 1 11 वो डाउट आया था। बच्चे ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ये जो बोले 12 3 माइनस 4 डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है आप होमवर्क नोट कर लो, होमवर्क नोट कर लो, फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेस जो भेजी है वो पूरी की पूरी कंप्लीट करनी है। कोई डाउट है? नहीं सर। कोई डाउट है? ये फर्स्ट 3 एक्सरसाइज जो है वो करके भेजनी। ठीक है गुल और जो मोहित था या जो भी था हर्षित था मेरे को वीडियो भेज देना। थैंक यू बच्चे।